भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ है, मतलब गए हैं, उनका संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है, उधर परीक्षित का जन्म हुआ है, और ज्योतिषियों ने बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन जब ये बताया और ज्योतिषी जी को जब ये पता चला कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु होगी तो चिंता हुई है। लेकिन ज्योतिषियों ने भी कहा कि तक्षक काटने से मृत्यु तो होगी लेकिन परीक्षित की अधोगति नहीं होगी। पूर्व जन्म के किसी भीषण पाप के कारण ही सर्प काटता है ऐसी मान्यता है, और ऐसी भी मान्यता है कि सर्प के काटने से, सर्पदंश से अगर मृत्यु होती है तो मनुष्य की गति नहीं होती है। उधर विदुर जी लौटे हैं, महाभारत समाप्त हो गया, युद्ध खत्म हो गया, धृतराष्ट्र को फटकारा है। गुरु जी बड़ा सुंदर ढंग से उस भाव को भी देते हैं, पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? भीम की तारीफ करते हो, पांडवों की तारीफ करते हो, बोल रहे हो कि बड़े आनंद में है, क्या क्या किया इन पांडवों के साथ, भूल गए? समझा कर धृष्ट को ले गए हैं, साथ में गांधारी भी गई है, उनकी गति हुई है। इधर 7 महीने हो गए, भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के महाप्रयाण के बाद द्वारिका चले गए, तो अर्जुन भी गए लेकिन लौटे नहीं। युधिष्ठिर को अब सुगुन होने लगे हैं और भीम से वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। किस तरह का अपशगुन हो रहे हैं इसकी व्यापक चर्चा है, बहुत विस्तार से। तब तक अर्जुन आते हुए दिखते हैं, उनके चेहरे पर तेज नहीं है, जो दृष्टि ने देखा क्या हुआ, कहीं तिरस्कृत हो गए, कहीं अपमानित हो गए, कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में चूक हुई, कहीं किसी शरणागत की रक्षा करने में त्रुटि हुई, किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन किया, कहीं मार्ग में छोटे लोगों से पराजित हुए, कहीं किसी बालक को, वृद्ध को, रोगी को बिना भोजन कराए भोजन तो नहीं कर लिया। मतलब स्पष्ट शास्त्र इस बात का प्रमाण है, ये जितने काम हमने गिनाए इतने काम अगर कोई करता है तो उसके तेज में कमी आती है, उसका तेज क्षीण होता है। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, वंचितो हम महाराज हरिका बंधुरु तम तेजो देवेश्मापनम। महाराज जिसकी कृपा से एक असंभव काम हमने किए, विकट परिस्थितियों में आपदा के समय जिन्होंने हम पांडवों की रक्षा की, जिनकी कृपा से मत्स्य की आंख को भेद कर हमने द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से खांडव वन का दहन कर अग्निदेव को समर्पित किया, भीमसेन ने जिनकी कृपा से जरासंध पर विजय प्राप्त की, हम लोगों ने द्रौपदी का अपमान जिनकी कृपा से लिया और जिन्होंने दुर्वासा के साप से हमें बचाया, वो भगवान हम लोगों को छोड़ करके चले गए।
कुंती ने जैसे ये बात सुना, उसने शरीर छोड़ दिया। इसके पहले के प्रसंगों हम चर्चा कर रहे थे कि कुंती ने क्या मांगा। विपत्ति में ही अगर आते हो तो विपत्ति सही, लेकिन संसार में जहां जहां मन फंसा है पांडुसु में और विष्णुओं में, वो हमको काट दो, मेरी ममता की डोर को काट दो, मतलब मेरा संसार मुझसे काट दो। भगवान ने उसी समय वरदान दे दिया, संसार तो उसका कट गया उसी दिन, और देह में अहंता नहीं है ये साबित हो गया। जैसे शरीर छोड़ा तो पता चल गया कि देह में न अहंता है न देह के संबंधों में ममता है। दिव्य चरित्र है कुंती का। महाभारत में जिन जिन चरित्रों को आदर्श के रूप में स्थापित करने का भगवान वेद व्यास ने प्रयास किया है, उन चरित्रों का अध्ययन करने लायक है। अद्भुत चरित्र है। भगवान तो भगवान है, उनकी महिमा तो महाभारत के बाहर भी वेद में है, पुराणों में है, सभी सनातन ग्रंथों में है, भगवान की बात छोड़िए। लेकिन बाकी जिन चरित्रों को आदर्श के रूप में खड़ा करने की कोशिश की है भगवान वेद व्यास ने, उन चरित्रों का अध्ययन करना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, रोचक है। एक से एक दिव्य सतोगुणी चरित्र हैं, एक से एक भीषण रजोगुणी चरित्र भी हैं। अर्जुन, शिशुपाल, दंतभक, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि आदि, जो अहंकार के साक्षात विग्रह हैं, रजोगुण का विग्रह। कुंती ने शरीर छोड़ दिया तो पांडवों ने तुरंत उसी समय यह तय किया कि हम लोगों को भी अब संसार छोड़ देना है। पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, जन्मेजय जी की ताजपोशी हो गई परीक्षित की। अब आगे वो गाय बैल का संवाद आता है। गाय के रूप में पृथ्वी है, बैल के रूप में धर्म है, ये दिग्विजय को निकले हैं। गाय बैल का आपस में संवाद सुनते हैं। दोनों का जब संवाद सुनते हैं, वृषभ का दुख सुनते हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। परीक्षित ने पूछा कि महाराज आपके दुख का हेतु क्या है, दुख का कारण क्या है, किसने आपको कष्ट दिया है, किसने आपको दुखित किया है। लेकिन वृषभ ने जो उत्तर दिए कि महाराज दुख का कारण आप पूछ रहे हो, तो वेदांती लोग तो अपने को ही कष्ट का कारण, दुख का कारण बताते हैं। ज्योतिषी लोग ग्रह नक्षत्र को बताते हैं, मीमांसक लोग तो कर्मों को बताते हैं, कर्म ही लॉ ऑफ कर्मा हम लोग इसको बोलते हैं। तो मीमांसक लोग कर्मों को बताते हैं और सांख्य लोग वो स्वभाव को बताते हैं, और जो पौराणिक लोग हैं वो ईश्वर को बताते हैं। हम अब क्या बताएं कि मेरे दुख का कारण कौन है और क्या है। परीक्षित, बस बस महाराज बस, मैं समझ गया, इतना बताने की अब जरूरत नहीं, आप धर्म हैं और ये गो माता। किसी की निंदा करने से भी अधर्म होता है, पाप होता है। अच्छा, किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए?
किसी की निंदा। आप मानिए तब या नहीं मानिए तब, देखो ये ऐसी कसौटी है ना, यहां कोई कंसेशन नहीं है, सीधी सी बात। सनातन धर्म में रास्ता तो बहुत सरल बनाया है ईश्वर को प्राप्त करने का, लेकिन ज्यादा अगर एक फूहड़ शब्द मेरे मन में आ गया जो पुलिस में यूज होता है, आवारा गर्दी, गुंडा गर्दी, तो ज्यादा अगर आप उदंडता करोगे और शास्त्र के साथ विनोद करोगे तो बड़ा कठोर दंड का विधान भी है।